हिंदी डब स्क्विड गेम के बाद अगर आप भी अपनी फैमिली को फिर से कोई ऐसी ही वेब सीरीज दिखाकर शॉक और सरप्राइज करना चाहते हो तो आज की टॉप 7 लिस्ट आपके लिए। अब ये साला कौन है? आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 7 हिंदी डब नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की लिस्ट है। अगर आपका टाइम कीमती जिसमें सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की जगह है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। यार इसकी माँ का। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 नेटफ्लिक्स की हिंदी डब वेब सीरीज पार्ट 9। स्कूल के वो हरामी बच्चे जिन्होंने हमारी रैगिंग बुली सब कुछ किया है, मन करता है उनकी सीक्रेट्स पूरे स्कूल के सामने दिखाकर एक्सपोज किया जाए। बस ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में भी आता हो तो आपके लिए दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की टीनेज ड्रामा फुल ऑन ट्रेलर के साथ गेट इवन। एलीट जैसी वेब सीरीज के अगर आप फैन हो तो इसे आप एक बार में ही खत्म कर दोगे। सिर्फ 25 मिनट्स 10 एपिसोड स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन बुली करने वालों की बूच मारने का गिल्टी प्लेजर हमारा हमेशा से रहा है। बस प्रॉब्लम आती है कैरेक्टर बिल्डअप में। जो चार लड़कियां टीम बनाकर सीक्रेटली ये काम करती है उनसे मैं तो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया। सीरीज में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां बहुत ही फोर्सफुल ट्विस्ट और टर्न घुसा है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से वो थ्रिल और टेंशन बिल्डअप किया है मानना पड़ेगा यार, वन टाइम तो मस्ट वॉच है। सीरीज में एक हाथ जगह पर किसिंग सीन है, उसके अलावा कुछ भी एडल्ट नहीं है, 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। 5 दिन पहले आपको वार्निंग मिलती है नर्क से हैवान आकर, आप जहां कहीं भी हो भगा भगा के तड़पा तड़पा के आपको मारेंगे और कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। पहले 24 आवर्स में स्क्विड गेम का रिकॉर्ड तोड़ के दुनिया में सबसे ज्यादा देखी गई बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में रिलीज हुई हेलबाउंड। नरक के जलाद भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। सीरीज के ट्रेलर और फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग के 10 मिनट ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन इससे आपकी सेट हो जाती है। वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो और मिल रहा कुछ और है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। लेकिन मैं आपको ज्यादा डिटेल में अगर नेगेटिव एक्सप्लेन करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। कोरिया का टाइम शुरू हो चुका है एक के बाद एक यूनिक और एकदम हटके कॉन्सेप्ट पर वेब सीरीज बनाना। जिस भी जॉनरा में ये बनाते हैं दुनिया की बेस्ट वेब सीरीज में से एक होती है वो। बस आपको अगर नॉन स्टॉप मार धाड़ और हर मोमेंट पे ट्विस्ट एंड टर्न पसंद है तो आपको शायद इसके 50 मिनट्स के लंबे एपिसोड फील होंगे। लेकिन जो सुपर नेचुरल काल्पनिक चीज को इन्होंने उस चीज को इस तरह से दिखाया कि आपको बिलीव होने लग जाता है कि ये रियल है। भले ही सारे कोरियन एक्टर्स है लेकिन इसकी हिंदी डबिंग, मैं एक टाइम पे भूल गया था कि मैं कोई कोरियन वेब सीरीज देख रहा हूं। और इससे भी अच्छी बात है, ब्रूटल वायलेंस और ब्लड के अलावा कुछ भी एडल्ट नहीं लगा। पर हाँ, सीरीज विजुअली डिस्टर्बिंग और 18+ जरूर है। सीरीज में एक्शन कम और थ्रिल और सस्पेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप और आपकी फैमिली कुछ हटके और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़े पेशेंस के साथ इसके 6 एपिसोड आपको सेटिस्फाई जरूर करेंगे। एक टीनेज लड़की के सामने उसके बाप का मर्डर, अब रिवेंज लेना एक बड़े गैंगस्टर की मदद से जो इसे ट्रेन करेगा उस मर्डरर तक पहुंचने के लिए। तुम जो चाहे करो, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। एकदम चीर फाड़ तोड़ फोड़ ब्रूटल एक्शन सीन्स के साथ दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट माय नेम। इस क्राइम ड्रामा में आपको एक्शन पूरी तरह भर भर के मिलेगा, खास करके लीड कैरेक्टर हैन सोई। अरे भाई साहब, क्या एक्टिंग की है। पहले इसे थर्ड डिग्री टॉर्चर बेरहम वाली ट्रेनिंग मिलती है जिससे इसके अंदर का इंसान मर के जानवर बन जाता है। फिर ये जानवर एक एक को जो फोड़ता है, मान गए यार, लड़की ने सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पर लिए पूरी वेब सीरीज। बस प्रॉब्लम है, जब वो ऑलरेडी इतने इलीगल काम कर चुके तो उसे पुलिस में क्यों भर्ती होना। नो डाउट ये लीगल तरीके से दिखाया गया कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन सा जरूर रहता है। जब इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ है सर पे तो उस मर्डरर को तो फटाफट ढूंढ के खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको एंड तक टिके रहना पड़ेगा इस खटकते सवाल के जवाब के लिए, जिसके लिए आपको थोड़े पेशेंस की सख्त जरूरत है। फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते इसे। थर्ड डिग्री टॉर्चर, ब्रूटल एक्शन सीन, ब्लड, खून खराबा, मार धाड़, सारे एडल्ट कैटेगरी के बॉक्सेस को टिक करती है ये सीरीज। अगर आपको बिना वेपन्स के फाइट देखना पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। देखो, अगर आप वही घिसे पीटे रोमांस कॉमेडी से बोर हो चुके हो और कुछ हटके कोरियन ड्रामा ट्राई करना है जहां पहले एपिसोड में ही क्लाइमेक्स आ जाता है और फिर कहानी शुरू होती है रिवेंज की या फिर जीरो से हीरो बनने की, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ फील गुड फुल ऑन ड्रामा इतेवॉन क्लास। कोरियन ड्रामा की स्पेशलिटी है वो एकदम से कुछ आपको सरप्राइज नहीं देता। हर ट्विस्ट एंड टर्न के पीछे होता है प्लॉट बिल्डअप। हर एक कैरेक्टर का एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन कैसे आया उसके पहले आपको ये कैरेक्टर बिल्डअप दिखाते हैं। और इसी वजह से 16 एपिसोड्स 1 hour 15 minutes ईच आराम से आपके एक दो हफ्ते निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके अंदर कई सारे बदलाव आएंगे।
पार्क और जो कैसे कम्प्लीटली अपोजिट कैरेक्टर अपनी अपनी टीनेज लाइफ में स्ट्रगल करते हैं इस सोसाइटी के बायस तौर तरीकों से। जिस तरह की घटनाएं होती है सीरीज में, कुछ टाइम के बाद आपको लगने लगेगा ये तो इंडिया में भी होता है। बस वहीं से आप इस सीरीज को कनेक्टेड हो जाते हो और फिर एक्साइटेड रहते हो कि अब जो ये कैरेक्टर है उसका एक्शन क्या होगा और उस पर रिएक्शन क्या मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग की तो मैं क्या ही बात करूं, एकदम ब्यूटीफुल। बस यार 1 hour 15 minutes के इतने लंबे एपिसोड, एक टाइम पे तो सीरीज बहुत ही स्लो हो चुकी थी तब मैंने इसे देखना छोड़ दिया। लेकिन पार्क के कैरेक्टर के साथ आगे क्या होता है, क्या वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाता है, ये सब सवालों की वजह से मैंने इसे कंटिन्यू रखा। 100% ये कोरियन ड्रामा फैमिली के लिए बनी है, फील गुड एक्सपीरियंस के लिए मस्ट वॉच है। मिलिट्री ट्रेनिंग और उसके अंदर की एकदम डार्क साइड, ऐसी वेब सीरीज अगर इंडिया में बन जाए तो दंगे हो जाएंगे यार इसकी माँ का। कोरिया की एक और अंडररेटेड वेब सीरीज, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ, मिलिट्री ड्रामा डीपी। कोरिया की हिंदी डब कुछ हटके वेब सीरीज ढूंढते-ढूंढते एकदम से इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स ने सजेस्ट किया। पहला एपिसोड खत्म करते करते मैं ऑलरेडी इसके बोल्ड टॉपिक से बहुत इंप्रेस हो गया। जिस तरह से मिलिट्री की डार्क साइड दिखाई है, किस तरह से सीनियर जूनियर की बजाते हैं, आपसे हजम नहीं होगा ऐसा थर्ड डिग्री टॉर्चर। लेकिन इन सब के ऊपर आता है कैरेक्टर जून हो का एकदम वो जॉन विक वाला एटीट्यूड। तू हर काम बिगाड़ क्यों देता है? जब तक खुद पे इनजस्टिस हो रहा है सह लेंगे, लेकिन किसी और पे इनजस्टिस देखते ही भाई साहब दिमाग खनक जाता है। और इन सब के ऊपर आता है इसका प्लॉट, जो मिलिट्री की इस डार्क साइड की वजह से भाग निकलते हैं वहां से, उन्हें ढूंढने का काम हमारे लीड कैरेक्टर जॉन हो का है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इसे देखकर आपको बहुत दया आएगी। और इससे भी अच्छी बात है, सिर्फ 6 episodes 50 minutes each। नेगेटिव की अगर बात करें तो कोई गोल नहीं है सीरीज का। आप अगर कुछ एपिसोड देखकर छोड़ भी दोगे तो भी आपको ऐसा कुछ नहीं है जो वापस खींच के लाए। इसके अलावा सीरीज में सेक्सुअल तो कोई एडल्ट नहीं, लेकिन कई चीजों को बहुत ही इनह्यूमन तरीके से दिखाया है, जिसको देखने के लिए जिगरा होना चाहिए। ऐसी ही कुछ हटके और यूनिक वेब सीरीज आप तक फिर से पहुंचाने के लिए एम करते हैं 18K लाइक्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए। नंबर 2 पे भाई साहब, एक सिंगल मदर एलेक्स और उसकी बच्ची की लाइफ की बूझ लग जाती है। कैसे बद से बदतर काम कर करके एक एक पैसा जोड़ती है। आपकी लाइफ की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इसके सामने सब कुछ फीका लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या? दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में रिलीज हुई मेड, ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें डे टू डे लाइफ की रियलिटी देखना पसंद है। इसमें आपको कोई सस्पेंस, थ्रिल या कोई इलॉजिकल ट्विस्ट एंड टर्न नहीं मिलेंगे। रातों रात लीड कैरेक्टर की लॉटरी लग जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। इन शॉर्ट ये वेब सीरीज नई सच्चाई है। बहुत मुश्किल से किसी कैरेक्टर को मैं इतना इमोशनली कनेक्ट होता हूं। एलेक्स का कैरेक्टर प्लेड बाय मार्गरेट कॉली, ये कैरेक्टर छप चुका है मेरे दिमाग में। इतना इमोशनली कनेक्ट में लास्ट क्रिस्टोफर गार्डनर कैरेक्टर से हुआ था। और इससे भी ऊपर आता है सीरीज में यूज किया बी रोल, एडिटिंग, म्यूजिक एकदम मास्टर लेवल की। एग्जांपल से अगर समझाऊं, एलेक्स को चंद पैसों के लिए एक बहुत ही गंदा घर साफ करना है और उस गंदे घर को साफ करना इतना सिनेमैटिक वे में दिखाया, ब्यूटीफुल लगता है वो। सीरीज में अब्यूजिव लैंग्वेज है, बहुत ही कम जगह पे सेक्सुअल सीन, मेरे हिसाब से तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन रेटिंग इसे 18 प्लस की मिली है। नंबर 1 की सीरीज ने मेरे टीनेज की इच्छा पूरी कर दी। हर गेमर का गिल्टी प्लेजर है ये। इतनी अजीबोगरीब दुनिया में आप एंटर करने जा रहे हो, हर 5 से 10 मिनट के बाद एक मिशन आता है सामने। साईफाई, फैंटेसी, एक्शन, ड्रामा, पूरा कॉकटेल है ये। पहली एनिमेटेड वेब सीरीज है शायद जिसकी इंटरनेट पे एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं। जब आप गेम्स खेलते हैं तो कुछ सेकंड का बीच में एक स्टोरी लाइन आता है। 9 episodes 40 minutes each, बिल्कुल गेम की तरह कोई विजुअल ट्रीट है। हर एक सीन आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। इन सब के बावजूद दिल से बुरा लगता है जब इंडिया के यूथ में आज के टाइम में गेमिंग सबसे पॉपुलर है, ऐसी मास्टरपीस वेब सीरीज को कोई रिकॉग्निशन नहीं। अगर आप कुछ टाइम के लिए सही अपनी बोरिंग सी लाइफ के आगे बियॉन्ड जाकर अंडरग्राउंड जान की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 9 episodes 40 minutes each आर्केन लीग ऑफ द लेजेंड, हमारी कल्पना से भी आगे बियॉन्ड वेब सीरीज के लिए राइट वाले वीडियो को क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को। कंप्लीट हिंदी डब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के साथ मैं मिलूंगा आपसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।